हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह गूगल ड्राइव में रखी हुई फाइल का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक बनाते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, थोड़ा सा फाइल में चेंजिंग करनी है ताकि आप डाउनलोड लिंक हासिल कर सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर रखने के लिए कोई भी फाइल, ताकि यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे तो फाइल डाउनलोड हो जाए, ना कि गूगल ड्राइव ओपन हो फिर उसके थ्रू ओपन। तो बहुत आसान मेथड है, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना, और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ब्राउज़र ओपन करना है, अपनी जी ड्राइव ओपन कर लेनी है। ये ड्राइव अपनी ओपन कर ली मैंने। आपने इधर फाइल रख लेनी है जिसका लिंक का बनाना है। जैसे मैंने ये फाइल रखी हुई है, इसका भी हम लिंक हासिल करेंगे। किस तरह, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेना है, गेट शेयरेबल लिंक, गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करना है तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। ये लिंक मिल गया है, आप देख सकते हैं। इसको कॉपी कर लेना है, ये कॉपी कर लिया। एक वर्ड की फाइल आपने ओपन कर लेनी है। इधर इसको पेस्ट कर लेना है। तो अभी आपने इसमें क्या चेंजिंग करनी है, ये आईडी जो है ना, इसको आपने नहीं चेंज करना है। इसमें चेंज करेंगे तो आपका लिंक डाउनलोड नहीं होगा। इस जगह पे आपने लिखना है यूसी आप देख रहे हैं कि इधर ओपन ये लिखा हुआ है, आपने ओपन को ख़त्म कर देना है। ओपन को आपने डिलीट कर देना है। इसकी जगह पे लिखना है यू सी, फिर ये क्वेश्चन मार्क इसी तरह रहेगा। इसके साथ लिखना है एक्सपोर्ट इज इक्वल टू डाउनलोड। एंड आईडी लें। अभी आपका ये लिंक रेडी है, इसको चेक कर लेना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम इसको सारे को कॉपी करेंगे, ब्राउज़र ओपन करें, एक न्यू टैब ओपन करें, इधर जाके आप पेस्ट करके देख लें, गो करें। आप देख सकते हैं कि इधर ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है, जो फाइल हमने जिसका लिंक बनाया था। तो आपका लिंक रेडी हो गया है, ताकि आप इसको किसी भी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी।